हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इग्नू का असाइनमेंट कैसे बनाते हैं और कैसे अच्छा सा अच्छा असाइनमेंट बनाएं ताकि अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके आपको। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको कैसे हमने असाइनमेंट बनाया है अपना। तो ये है फ्रंट पेज असाइनमेंट का, जो कि आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। आप फ्रंट पेज गूगल असाइनमेंट के नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगा। इस तरह के भी होता है फॉन्ट, एंड अलग साइड से अलग टाइप के भी होते हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको सही लगे। फ्रंट पेज के बाद क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, जो कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। ये भी आपको इग्नू के वेबसाइट से मिल जाएगा डाउनलोड्स में, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आप। हर सब्जेक्ट का है अलग, ईयर वाइज, सेशन वाइज। तो ये क्वेश्चन पेपर है, और जो भी क्वेश्चन पेपर आप करेंगे उसको टिक कर देना है यहाँ पे, ऐसे जैसा हमने किया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर के बाद आपने जो इसका आंसर्स लिखे हैं उसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दो भाग में होता है क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन पेपर देखा है, भाग एक और भाग दो। भाग एक, किसी भी भाग एक से तीन और दूसरे से दो क्वेश्चन करने होते हैं, या फिर पहले से दो कर लीजिए, दूसरे से तीन। टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो 20-20 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 मार्क्स होता है। और ये है, इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, भाग एक लिख करके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर डालना है ऐसे, या फिर यहाँ पे फ्रंट में ऊपर से भी क्वेश्चन आंसर नंबर डाल सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, जो आपका पहला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस तथा भारत में ई गवर्नेंस एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कानूनी तथा नीतिगत ढांचे को परिभाषित कीजिए। तो इसको लगभग एक निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इग्नू में, एमए और बीए में। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, लगभग 4-5 पेज का एक आंसर होता है। इतना आपको लिखना ही लिखना है अगर अच्छे नंबर चाहिए तो, और अच्छे से सजा के अच्छी राइटिंग में लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दो आ गया, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर एक लिखा है। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन किया है। आप देख सकते हैं कैसे हमने सजा के लिखा है ताकि अच्छे नंबर मिले। इसमें 100 में से आपको कम से कम 80-90 नंबर लाने हैं, जो कि टोटल आपके मार्क्स के 30% में वो होता है, और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसका 70%, टोटल 100% होता है। तो इस तरह से आप असाइनमेंट बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज देखिए, मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट को अलग अलग से ऐसे नत्थी कर लीजिए धागे से। इस तरह से आप असाइनमेंट बना के अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं इग्नू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।